मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, मुझसे कोई बात नहीं की। सुबह उठे, नहाया, पूजा की, चाय पी, फिर दुकान पे चले गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे साथ कोई बात नहीं बोली उन्होंने, मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने फोन किया, कोई फोन नहीं उठाया मेरा। वो इमदाद मिलना चाहिए ताकि बच्चे आगे पढ़े पढ़े लिखे, ये डेवलप हो रही चीज है, ये बच्चे डेवलप नहीं बचाए। मैं भी क्या करूँ, मेरे पास 3000 रुपया आमदनी है, अब ये इनको पालू कि मैं अपने पेट पालू, मैं अपने बीवी को पालू। जय माता दी, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूँ रोहित भट्ट। आप देख सकते हैं अभी हम पुरखू में हैं और बबलू जी के यहाँ पे हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले कहा जाता है उनका उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। ये उनकी वाइफ है, आप देख रहे हैं इनकी हालत, आप देख सकते हैं इनकी हालत। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं स्पीचलेस हो रहा, मैं कुछ बोल नहीं सकता उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस कम्युनिटी में ऐसे हालात बन रहे हैं कि सुसाइड करना पड़ रहा है। एक यंग जिसके छोटे दो बच्चे हैं, क्या होगा इस परिवार का, कौन इनके साथ है। कोशिश करेंगे हम इनसे सवाल जानने की, बात करने की, और इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और पूरी तफ्तीश करेंगे कि आगे फिर से कोई बबलू जी सामने ना आए, ऐसे केस ना हो। और इनके परिवार में जो हुआ है वो ये जानते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सबका सपोर्ट, सबका साथ इनको मिलेगा, पूरे समाज का साथ मिलेगा, चाहे वो अमेरिका में है, कहीं पे भी है, किसी भी देश में है, उनका साथ ज़रूर चाहिए। कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि बबलू जी के बारे में, आप मुझे ये बताइए कि लास्ट बबलू जी ने जब थे उनका मूड क्या था और क्या बोल रहे थे आपको, वो किस क्यों इतना परेशान। मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, मुझसे कोई बात नहीं की। सुबह उठे, नहाया, पूजा की, चाय पी, फिर दुकान पे चले गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे साथ कोई बात नहीं बोली उन्होंने, मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने फोन किया, कोई फोन नहीं उठाया मेरा। वो फाइनेंशियली परेशान थे क्योंकि जॉब नहीं था, बाकी चीजें थी उसको लेके। जी बोलते थे आपसे डिस्कस करते थे। सर एक बार कहा था उनकी किसी ने, किसी के लिए उन्होंने लोन उठाया था, तो वो किस्त नहीं अपनी भर रहा था, वो किस्त यही भर रहे थे, उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। अब देख सकते हैं कि ये बबलू जी की वाइफ है, जिन्होंने बताया कि वो परेशान क्यों थे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर परेशान थे। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, कौन इस चीज़ का जिम्मेवार है, कौन ऐसी वजहें क्रिएट होती है इन फैमिलीज में कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ता है। और इतनी यंग, 35 एज के अराउंड थे वो, 30-35 के आसपास थे, और उन्होंने इतनी कम उम्र में ये कदम उठाया, इसकी ज़रूर हम जांच करेंगे। और चाहते हैं आप प्लीज़ धैर्य रखिए, देख सकते हैं आप कोई भी इनकी भरपाई नहीं कर पाएगा। ये इनकी माता जी हैं बबलू जी की, और इनसे हम ज़रूर जानेंगे कि क्या दलील गए, क्यों क्यों उन्होंने ऐसा, आपको क्या लगता है, कुछ परेशान, कुछ बात बात हुई आपसे। मेरे से कोई बात नहीं, रात को आया था तो बस बच्चे लेकर आया था रात को, तो बोला कि क्या कर रहे हो, मम्मी ठीक हो, बस खाना उना बनाया, बस फिर वो बच्चे लेकर चले गए अपने घर। वो आपके दूसरे क्वार्टर में रहते? हाँ वो दूसरे में रहते हैं। फिर बीबी ने बोला सुबह ना दो पूजा उजा की, और वो चले गए दुकान में। बाद में इसने फोन किया कि बबलू जी आया वहाँ, मैंने बोला नहीं आया, तो हम परेशान हो गए उसी वक्त। ये उनकी माता जी थी, जिनका कहना है कि वो परेशान जरूर थे किसी काम कार्य को लेके। वो आप जान सकते हैं कि
कितना बड़ा सेटबैक इनकी फैमिली को लगा, लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये उनकी वाइफ है। अब आप मुझे इस बात का जवाब आप सब लोग देंगे कि कौन जिम्मेवार है। इतनी कम एज में इनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इनके बच्चे हैं, तो कौन पालन पोषण करेगा इनका, कैसे ये सर्वाइव करेंगे? ज़रूर जानना चाहेंगे उनके फादर से कि इसके पीछे कितना स्ट्रेस है, और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस में उनके फादर भी हैं और इनसे जानते हैं। आप बताइए कि लास्ट जो आपकी बबलू जी से बात हुई थी, क्या हुई थी उसके बाद? मेरे से कोई बात नहीं बोला है, कुछ नहीं मेरे को। एक दिन पहले कुछ बात हुई हो? नहीं, घर भी आया था, कुछ नहीं बात किया, बोला कोई बात, ऐसे बेचारा दुखी था, बात ये नहीं कुछ नहीं बोला। दुखी रीजन क्या है आपके नज़र? मुझे समझ नहीं आया, ये पता नहीं क्या बात है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कुछ सब कुछ खुद परेशान है, ये क्या बात है, क्या हुआ था इसको? फिर आपको कैसे पता लगा वो नहर में थे की डेड बॉडी में? हम तो वेले सर उसके पार गए दुकान पर, उधर दुकान देखा बंद, फिर मैं दो तीन बंदे को उधर पूछा, बोला वो इधर से गया था नीचे, फिर उसकी वाइफ भी है उधर, फिर बाद में पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी हिम्मत रखें, धैर्य रखें, और इस बात पे ज़रूर बात करें कि क्यों सिचुएशन ऐसी आती है कि एक यूथ को सुसाइड करना पड़ता है, क्या रीज़न? सर क्या पता है क्या हुआ था इसको, क्या क्या था जिले में, मुझे क्या पता था इसको क्या बात है क्या नहीं, वो इसी को पता है, उसे बोला नहीं किसी को कुछ, ना माँ को बोला, ना मेरे को बोला, ना अपने घर वाले को कुछ, कोई बात बोला था, कुछ नहीं बोला उसने। आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से एक रिलीफ दिया जाता है वो सफिशिएंट है एक फैमिली को चलाने के लिए? नहीं है सर, बराबर नहीं होता है रिलीफ, क्यों इसको क्या निकलता है रिलीफ को, क्या 3,000 से क्या मिलता है, 5 बच्चों को 2-2, 3,000 फीस ही है, बाकी वो जो वो तो ट्यूशन के अलग अलग होता है, स्कूल का फीस अलग होता है, इसमें क्या निकलता है 3,000 से क्या बनता है एक बंदे को, इसमें बीमारी भी है, कपड़े भी बना मतलब कहे तन पर, खाना भी चाहे उसको, 3,000 से क्या बनता है, क्या किया सरकार ने हमारे लिए, क्या किया है इसको, 6-7 साल हो गए उन्होंने बोला कि क्वार्टर बनाएंगे कश्मीर में 6,000 फैमिलियों को, 6,000 मुलाजिमों को, वो भी नहीं बराबर हुआ था, वो भी नहीं कुछ नहीं किया हमारे लिए, कश्मीर पर तो कुछ बिल्कुल ये बिल्कुल खाक में मिल गए थे सारे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ बबलू जी रहते हैं उसकी कंडीशन भी हम कुछ दिन के बाद आपको दिखाएंगे। यही अर्जा करता हूँ कि इसको सरकार की तरफ से कुछ इमदाद मिलना चाहिए ताकि बच्चे आगे पढ़े पढ़े चाहिए, ये बच्चे बचाए, मैं भी क्या करूँ, मेरे पास 3,000 रुपया आमदनी है, अब ये इनको पालूँ कि मैं अपने पेट पालूँ, मैं अपने बीवी को पालूँ? ये ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इनके पिताजी हैं जो कि सच में कह रहे हैं कि इस उम्र में ये कैसे पालेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे अपनी वाइफ को या उनकी वाइफ उनके बच्चों को, बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि जैसे कि कल ही एक वॉलंटियर ग्रुप यहां पे आए थे, उन्होंने इनके बच्चे को बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है, साथ साथ में उन्होंने कुछ राशन देने की बात की है, लेकिन वो राशन कब तक, क्या वो राशन पूरी लाइफ टाइम तक वो देंगे या कुछ समय तक देंगे? लेकिन मैं टीआरएन की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वक्त आ चुका है कि आप वो सब पॉलिटिक्स छोड़ के एक दूसरे की टांगे खींचने छोड़ने छोड़ दें, वो सब चीज़ें जिन चीज़ों पे फोकस करना है उन पे फोकस कीजिए। टीआरएन आपसे निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि इस फैमिली को सपोर्ट दें, चाहे अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन, वो सब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें ये समझ आना चाहिए कि वक्त आ गया है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ करनी है, इस फैमिली को सपोर्ट दें। कोशिश करेंगे हम इस पे इनका डिटेल्स डाल दें, अकाउंट डिटेल्स डाल दें हमारे इस वीडियो के ऊपर, बबलू जी की वाइफ का अकाउंट डिटेल रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उन्हें डोनेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो ताकि इनकी मदद हो, बहुत नीडी फैमिली है। और मेहरबानी करके कृपया आप इस चीज़ से ध्यान दें कि अब वो वक्त नहीं रहा कि जितने भी ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, वो सब एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें और इन चीज़ों पे फोकस करें और इन्हें सपोर्ट करें।